नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। वक्त हो गया 100 खबरें फटाफट का रुख करेंगे राष्ट्रीय खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के एक अस्पताल में बड़ा आतंकी हमला हुआ। ये हमला अस्पताल के अंदर हुआ। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आतंकी हमला श्रीनगर के अस्पताल के अंदर हुआ है। पुलिसकर्मी अस्पताल में आतंकवादियों को लेकर आए थे। इसी दौरान साथियों ने आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए यह हमला किया। पीएम मोदी 9 से 12 फरवरी के बीच फिलिस्तीन, यूएई और साउथ ओमान की यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी की फिलिस्तीन, यूएई और ओमान यात्रा के दौरान भारत और इन देशों के बीच व्यापार, निवेश, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, ऊर्जा समेत द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से सऊदी अरब के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि सुषमा स्वराज 6 से 8 फरवरी तक सऊदी अरब में रहेंगी। और वहीं सुषमा स्वराज खाड़ी देशों के अल जिनांद्रिया महोत्सव का उद्घाटन। पटना में आरएसएस कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 14 से 15 फरवरी को होगी। बैठक में लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट और पूरे देश में उस पर आम लोगों की प्रतिक्रिया पर चर्चा होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2019 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की ही सरकार बनने का दावा किया है। लोकसभा कार्यक्रम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश ने कहा कि किसी को कोई गलत फहमी पालने की जरूरत नहीं है। 2019 में भाजपा के नेतृत्व में जो गठबंधन है उसे ही सफलता मिलने वाली है। कासगंज हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता का परिवार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। आपको बता दें कि मुलाकात मुख्यमंत्री कार्यालय एनेक्सी में होगी। चंदन का परिवार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और साथ ही बचे हुए आरोपियों की जल्द धरपकड़ की मांग करेगा। इसके अलावा पीड़ित परिवार हिंसा में लेकर जांच की मांग भी कर सकता है। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आज से शुरू हैं। आपको बता दें कि नकल रोकने के लिए इस बार बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे। पटौदी में शहीद कैप्टन कुंडू को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हिमाचल के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ हिमाचल के 3 मंत्री कुरुक्षेत्र के गुरुकुल पहुंचे, जहां पर जीरो बजट प्राकृतिक कृषि मॉडल पर चर्चा की गई। इस मौके पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जीरो बजट प्राकृतिक कृषि हिमाचल में भी शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि हिमाचल सरकार ने भी जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ाने पर जोर दे रही है और ताकि रासायनिक खादों के दुष्परिणामों से बचा जा सके। कुरुक्षेत्र में ग्राम सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और ग्राम सचिवों का कहना है कि उनकी कई मांगें हैं जिन्हें पूरा करने की मांग पिछले लंबे समय से हो रही है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। ग्राम सचिवों का कहना है कि उन्हें ग्राम स्तर पर कई जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और इसी वजह से उनकी योग्यता को बढ़ाकर स्नातक तक किया जाए। इसके साथ ही परिवहन भत्ता बढ़ाया जाए, जो कि कई दशकों से केवल 20 रुपए ही मिलता है। ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने झज्जर में अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सीपीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ग्राम सचिवों ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही। फतेहाबाद ब्रांच नहर क्षेत्र से 2 दिन पहले गायब हुई 2 बहनों में से एक का शव बंद मंदोरी के पास नहर से बरामद हुआ है, जबकि दूसरी युवती की तलाश जारी है। बता दें आपको कि वृद्धावस्था पेंशन की मांग को लेकर बलाना के ग्रामीणों ने महेंद्रगढ़ सतनाली सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। शिक्षा मंत्री के भाई राजेंद्र शर्मा के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। बुजुर्गों ने डाके पर पेंशन ना देने और धमकाने का आरोप लगाया। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय के 2 छात्रों के साथ मारपीट के मामले में इलाके के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवकों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि छोटे से लड़ाई झगड़े को जातिवाद का रंग देकर उछाला गया है, जिसकी वे निंदा करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी बनाए गए छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रथ यात्रा पर इनेलो के छात्र नेता दिग्विजय चौटाला ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हुड्डा की रथ यात्रा का कंट्रोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है और वो उनके कहने पर काम करेंगे। दिग्विजय चौटाला बहादुरगढ़ में इनसो के कॉलेज यात्रा कार्यक्रम में आए हुए थे और उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हुड्डा अपने अलग पार्टी बनाएंगे, बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करेंगे। कुरुक्षेत्र का संत समाज नाब कमल मंदिर की भूमि विवाद को लेकर उपायुक्त से मुलाकात करने पहुंचा। संत समाज का आरोप है कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने लाब कमल मंदिर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है।
अपनी मांगों को लेकर रतिया के मजदूर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। मनरेगा मजदूरों का बकाया राशन का भुगतान न होने, 100 दिन काम न मिलने और साथ ही मजदूरों के राशन कार्ड न बनने का आरोप लगा है। इंदौर में 80 गांव के किसानों ने जल संघर्ष समिति के नेतृत्व में अनाज मंडी से लेकर लघु सचिवालय तक महाप्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि उन्हें ट्रेनों पर पानी दिया जाए और हफ्ते में 2 बार खेतों में पानी मिलना चाहिए। खेतों में सिंचाई के लिए 2 सप्ताह पानी देने की मांग को लेकर किसान पिछले करीब 22 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन और रोष प्रदर्शन मार्च के दौरान शहर का मुख्य मार्ग दिन भर जाम के स्थिति। गुरुग्राम के प्रद्युमन हत्या मामले में बाल अदालत ने आरोपी छात्र की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी छात्र के परिजनों ने अदालत में याचिका दायर की थी और ये तर्क पेश किया था कि जुवेनाइल के मामले में 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। वहीं सीबीआई ने भी इस मामले में चार्जशीट दायर कर दी है। सीबीआई की टीम ने लगभग 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है जिनमें से 900 वॉल्यूम है और साथ ही काफी लोगों को इसमें गवाह भी बनाया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। महिला ने बाथरूम के अखम्बोज में बच्ची को जन्म देने का मामला सामने आया है और ये नवजात सांस तक नहीं ले सकी। कविता और बच्ची को सिविल अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है जहाँ पर डॉक्टरों ने प्राथमिक जाँच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। अमृतसर के जोड़ा फाटक में रहने वाली कविता 9 महीने की गर्भवती थी और पीड़िता के पति लाल बहादुर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड के लिए कविता को सिविल अस्पताल के नजदीक एक निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर में लेकर आए थे। डर से तड़प रही कविता अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही। पंजाब में खाकी वर्दी पहनकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने वाले पंजाब पुलिस के जवानों ने सूरजकुंड में पंजाबी पोशाक पहनकर लोगों का मनोरंजन किया। पंजाब पुलिस के जवानों के रंगारंग पंजाबी प्रस्तुति पर दर्शक जमकर नाचते और झूमते नजर आए। पटियाला में आंगनबाड़ी वर्करों ने मोदी सरकार का पुतला फूंका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी के मौके पर आंगनबाड़ी वर्कर प्रेम सेठी ने कहा कि मोदी सरकार ने बजट में महिलाओं को कुछ नहीं दिया है और आंगनबाड़ी वर्करों का जो पिछला बकाया है वो भी 400 से नहीं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद मोगा नगर निगम ने अलग अलग हिस्सों में अवैध निर्माण पर पीला पंजाब चलाया। 3 दिन पहले ही नगर निगम ने शहर में अमुनादी करवा दी गई और साथ ही साथ अवैध निर्माण को खुद ही गिराने के लिए 4 फरवरी तक का समय दिया गया। पानीपत के सिख संगठनों के लोग गुरुघर की जमीन पर बुरी नजर रखने वाले दूसरे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर लगे सचिवालय में पहुंचे प्रशासन की धीमी कार्रवाई के चलते रोष प्रकट किया। लुधियाना पुलिस ने दुष्कर्म किया आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस बनकर फेरी जोड़ों को धमकाने के बाद अधिकारियों के सामने पेश करने के बहाने युवतियों से दुष्कर्म करता था। गांव मनकवाल के रहने वाले बलविंदर सिंह उर्फ खाकू ने 2 युवतियों से दुष्कर्म करने का घिनौना जुर्म कबूला है। समाना 29वें कबड्डी मेले में मेहमान के तौर पर महारानी परनीत कौर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे के मुताबिक कर्ज माफी का वादा पूरा करेगी। 1 से 7 फरवरी तक का वार्षिक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है और सड़क सुरक्षा सप्ताह का थीम 5 से 5 शपथ है और इस जागरूकता अभियान के तहत चंडीगढ़ के स्कूलों और कॉलेजों में भी वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। मलेरकोटला में पंजाब प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बैठक आयोजन हुआ जहां पर ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइवेट स्कूलों के लिए कई मांगे रखी है। इसके साथ ही स्कूली बसों के टैक्स माफ करने और धीमे और साथ ही सब्सिडी देने की मांग। लुधियाना के जीटी रोड पर साहिवाल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक कार और बाइक में टक्कर के हो गई, उसके बाद वाहन बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गया। इस भीषण हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हुआ। कपूरथला जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन युवराज भूपिंदर सिंह एक बार फिर से जिला परिषद के चेयरमैन बन गए हैं। एसडीएम नैन भुल्लर की अध्यक्षता में हुए चुनावों में शिरोमणि अकाली दल के युवराज भूपिंदर सिंह ने बहुमत हासिल कर लिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 8वीं और साथ ही 10वीं की कोर्स से गुरु तेग बहादुर की जीवनी पर आधारित पाठ हटाने से सिख समाज में काफी रोष है। इसको लेकर गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरोदी रोड चीका ने पाठ को दोबारा जोड़ने की मांग की। जगराओ पुलिस ने अपने ही पुलिस स्टेशन के एसएचओ कुलदीप सिंह पर ठगी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक एसएचओ कुलदीप सिंह कंग और उसकी साथी महिला इंद्रजीत कौर ने मिलकर गांव के एक शख्स को कॉल पर ठगी करने के मामले में केस दर्ज करने के बाद कहकर लाखों रुपए। और चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार फिर रुक करेंगे खबरों की ओर। नगर निगम चुनावों का बिगुल बज चुका है और हर प्रत्याशी अपनी जीत पक्की करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। इसी को लेकर अकाली दल प्रत्याशी कुलदीप कौर बिंदर ने लुधियाना में अपने क्षेत्रों का दौरा किया और वहां के लोगों के साथ मीटिंग। कुलदीप कौर बिंदर ने लोगों से दल का अपील की कि उन्हें एक बार फिर से मौका दिया जाए जिससे कि वो बचे रह गए विकास कार्यों को पूरा करवा सके। जलंधर बाईपास स्थित दाना मंडी में मिशन एग्जीक्यूशन 2018 में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें लगाई गई हैं जो कि होजरी और गार्मेंट्स कारोबारियों को अपग्रेड करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इन मशीनों की खासियत यह है कि इन पर लेबर और साथ ही पावर कॉस्ट तो आम मशीनों जितनी ही है लेकिन इनकी प्रोडक्शन डबल है जो कि कारोबारियों का मार्जिन बढ़ाने में सहायक साबित हो सकती है। ये एग्जीक्यूशन क्षेत्र में 180 नामी कंपनियों ने स्टॉल लगाई है जिसमें भारत के अलावा चीन, जर्मनी, जापान, ताइवान, यूएसए और कोरिया देशों के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस सर्कुलर प्रिंटिंग, साइनिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि मशीनरी। सडोरा में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। ओवरलोड डंपर ने 3 साल के मासूम को कुचल दिया। बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया और जाम लगा दिया। गुस्साए लोगों ने थाने में घुसकर पुलिस की गाड़ियां तक तोड़ डाली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। नानौल में रविवार की रात दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें आपको, कोरियावास रोड पर एक ओवरलोड डंपर ने मोटरसाइकिल और स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 4 मृतक राजस्थान के रहने वाले थे और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जीरकपुर के औरा मैरिज पैलेस में रविवार रात आग लगने से हड़कंप मच गया जिसके बाद करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यमुनानगर के जुगाद्री के गुलाब नगर की एक कॉलोनी में 57 साल की महिला घर में मृत पाई गई और महिला के पैर बंद। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दिया। नूगिरीठ गांव में कच्चे मकान में आग लगने से 3 दुधारू पर जो भैंस थी समेत 5 पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि पशु मालिक से लेकर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन 5 पशुओं को बचा नहीं। वहीं गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से गरीब और पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने की मांग की। हिसार के सैनियान मोहल्ले में पार्क में इस वारदात को अंजाम दिया गया। युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रोहाना के गांव अकावाली में एक बेरोजगार युवक के साथ विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी। इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि 2 भाइयों के साथ वर्क वीजा पर विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। इंद्रशाल स्नेहा ने नेपाल में हुए एशियन ओलंपिक गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। जानकारी के मुताबिक स्नेहा ने के पिता टैक्सी चलाकर अपने परिवार पर गुजरबसर करते हैं और स्नेहा के परिवार ने सरकार से मदद की है। मालदीव में बढ़ते राजनीतिक गतिरोध के बीच देश में राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की सरकार ने 15 दिनों के लिए इमरजेंसी लागू कर दी। राष्ट्रपति यामीन के सौतेले भाई और 30 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे ममून अब्दुल्ला गयूम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और भारत सरकार ने अपने नागरिकों को मालदीव जाने से मना किया है। जापान ने दुनिया का सबसे छोटा और साथ ही हल्का रॉकेट लॉन्च कर उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि SS-520 नामक रॉकेट लैब पोस्ट के आकार का है और इसका व्यास 50 सेंटीमीटर है। 2017 में करीब 7,000 करोड़पति भारतीयों ने देश छोड़ दिया है। बता दें आपको, न्यू वर्ल्ड वॉच के अनुसार 2017 में 7,000 अति अमीर लोगों ने भारत के बाहर अपना निवास बना लिया है जबकि 2016 में यह संख्या 6,000 थी और 2015 में कुल 4,000 अति अमीर लोगों ने देश के बाहर बसना पसंद किया। शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। सेंसेक्स ने 1200 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है जबकि निफ्टी 10,300 के नीचे फिसल गया है। सेंसेक्स और निफ्टी में 3-3% की गिरावट दर्ज की गई। देश की सबसे बड़ी ट्रक निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में 1.83 अरब रुपए का एकल लाभ अर्जित किया है। इससे पहले कंपनी को लगातार 5 तिमाहियों में एकल स्तर पर घाटा हुआ था। और 100 खबरें फटाफट में, अभी के लिए बस इतना ही। एक ब्रेक, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।